हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैथ्स के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कि जहां से कि आपके बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आपके जल्दी ही इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अगर आपको भी इसके एग्ज़ाम देने हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसी तरीके के और भी क्वेश्चन के लाभ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि आपका मिक्सचर से रिलेटेड है, कह रहा है कि दो प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 8:3 और 15:7 है। यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो एक नए प्रकार का पीतल बन जाता है। इस नए प्रकार के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात बताइए। कह रहा है हमारे पास दो प्रकार के पीतल हैं, एक को हमने एल बोल दिया, दूसरे को बी बोल दिया। दोनों में तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है। कॉपर और जिंक का रेशियो है पहले में 8:3 एंड दूसरे में 15:7। अगर दोनों तरह के पीतल को हम पिघला दें और अगर हम इसे ए और बी को 5:2 के रेशियो में मिला दें तो जो नया पीतल बनेगा उसमें तांबे और जस्ते का रेशियो क्या होगा, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप या तो कॉपर या तो जिंक का मात्रा ले लो। अगर हमने कॉपर लिया तो कॉपर 8 है, और अगर टोटल की बात करें तो टोटल 11 यूनिट है हमारे पास पीतल, जिसमें 8 यूनिट हमारा कॉपर है। तो 8/11, और कह रहे इसका रेशियो है 5 का, तो × 5 प्लस दूसरे में हम कॉपर और जिंक के अलग अलग रेशियोज निकाल रहे हैं, तो 8 × 11 प्लस दूसरे में 15 यूनिट कॉपर है और 22 यूनिट हमारा पीतल है, तो 15/22 × 2 यूनिट हमारा दूसरा मिक्सचर है, तो × 2 रेशियो इसी तरीके से हमारा चला जाएगा। पहले में जिंक की बात करें तो 3 है, तो 3/11 × 5 यूनिट है प्लस 7/22 × 2 यूनिट है। अब हमने इसे किया 11 टाइम्स, तो ये हमारा हो गया 8/40 प्लस 15, रेशियो हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका 11 है, फिर इसी तरीके से 11 है एंड 15 प्लस 7 है, 11 से 11 कैंसिल, तो हमारा आ गया 55:22। तो हम इसे कर सकते हैं 11 से काटा तो 5:2 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इसी तरीके से आप चाहते तो जिंक आपको तो सेम ही करने थे, आप जिंक का लो या फिर कॉपर का लो, आपको दोनों का तो लेना ही लेना था, तो हम इसी तरीके से इसे बनाते हैं। हमने देखा कि पहले मिक्सचर में हमारा 8 यूनिट कॉपर है और टोटल मिक्सचर है हमारा 11 यूनिट, बट हमें ऊपर में दिया हुआ है कि हमारा ए में 5, ए को हमें 5 यूनिट ही लेने हैं, तो 8 × 8/11 × 5 इस तरीके से हमने इसे बनाया, हमारा आ गया कितना, तो 5:2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट से है, कह रहा है कि कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। कह रहे हमारे पास कोई धन राशि है जो कि सिंपल इंटरेस्ट से 15 ईयर्स में अपने से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह अपने से 5 गुनी हो जाएगी, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है कि 15 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो 5 गुनी कितने वर्ष में मिलेगी। तो अगर आपको इसे ईजी वे में बनाने हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपको एक फॉर्मूले याद रखना है, आपको याद रखना है कि n1 - 1/t1 × 100, या फिर आप 100 नहीं भी लिख सकते, हम 100 को हटा दें, तो n1 - 1/t1 इक्वल होता है हमारा n2 - 1/t2 का, जहाँ n1 हमारा हो गया जो गुना में दिया हुआ 3 × 5 × और t तो हमारा टाइम हो गया। अब n1 है आपका 3, तो 3 - 1/t1 इक्वल टू हमारा हो गया 5 - 1/t2। इस तरीके से हमने इसे बनाया, तो 2/t1 हमें दे के रखा था कितने समय में, तो 15 वर्षों में दे के रखा था, तो इसके जगह पर हमने 15 लिख लिया, इक्वल टू है 4/t2, इसे हमने 2 टाइम्स किया तो t2 इक्वल टू हमारा आ गया 30 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने हैं। ऐसा नहीं कि हमने देखा कि 3 गुनी हो रही है 15 वर्ष में तो हम इसमें सोचेंगे कि इसके जस्ट 3 से 5 है, दो गुनी ज़्यादा बढ़ रही है तो हम 30 से ज़्यादा कर देंगे, ये दो गुनी वाले आप सबसे पहले ऑप्शन से हटाओगे। तो आपको इसके लिए फॉर्मूले याद रखना है, n1 - 1/t1 = n2 - 1/t2।
तो इस तरीके से हम इसे आसानी से बना लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल डिस्काउंट से है। कह रहे किसी टीवी की सूची कीमत 2300 रुपये है और उस पर बट्टा 25% और 10% हो तो विक्रय मूल्य बताइए। कह रहा है कि हमारे पास कोई टीवी है जिसका कि हमारा सूची मूल्य जिसे हम कह सकते हैं मार्क्ड प्राइस है वह 2300 रुपये, अगर हम उस पर डिस्काउंट डालें 25% और 10% के तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। आपको डिस्काउंट दे रखा है 25% और 10% का, तो सबसे पहले हम इसका एकल डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो या इसका हमारा एकल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट डिस्काउंट प्लस हमारा हो जाएगा सेकेंड डिस्काउंट माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारा हो गया 35 माइनस हमने किया 0 से 0 एंड 5 एंड 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो इसे हमने टोटली किया तो ये हमारा आ जाएगा 32.5% हमने एकल डिस्काउंट निकाला। अब 2300 रुपये है हमारे पास, तो इसका विक्रय मूल्य तो 2300 मल्टीप्लाई बाई हमने 2300 के रुपये की वस्तु पर 32.5% का डिस्काउंट लगाया, यानी हमने उसे बेचा कितने में, तो 67.5 में डिवाइडेड बाई 100। 0 हमने एक बार और नीचे कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे। अब अगर इसकी टोटली की बात करें तो हमारा हो गया 1552.50 रुपये, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब आपका ये तो एकल डिस्काउंट निकाल के बनाने का तरीका हुआ। दूसरा आपका क्या तरीका है कि 2300 रुपये और आपको 25% का डिस्काउंट यानी 75 मल्टीप्लाई बाई 10% का डिस्काउंट यानी कि 90। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 25 थी 75, 25 चौका 100 और ये 2 टाइम्स किया, ये 45 टाइम किया, तो आपको इतने सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका हो जाएगा 69 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इन सारे मल्टीप्लीकेशन से बचने के लिए हम सबसे पहले इसका एकल डिस्काउंट निकाल के हम इसे आसानी से बना लेंगे। हमारा आसानी से आ गया 1552.50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका टाइम एंड वर्क से। कह रहा है कि ए बी और सी 3 लोग हैं, किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। अगर ए को एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दे और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ दे तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि हमारे पास 2 लोग हैं ए बी एंड सी। कह रहा है पहला करता है 10 दिन में, दूसरा करता है 12 दिन में, तीसरा करता है 15 दिन में। अब आप तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि आप जैसे ही इतना चीज़ दे दे आपको, आप सबसे पहले क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ो, इन सारे का एलसीएम ले लो। तो 10, 12 एंड 50 का एलसीएम हो गया 60। अब हम इसे एलिगेट करेंगे तो 6 हो गया, 5 हो गया एंड 4 हो गया, क्योंकि एलिगेट में आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं डिवाइड करना है। तो 60 डिवाइडेड बाई 10 6, 60 डिवाइडेड बाई 12 5, 60 डिवाइडेड बाई 15 हो गया 4। हम इसे एलिगेट क्यों करते, तो एलिगेट करने के बाद जो हमने एलसीएम लेते हैं उसे हम मानते हैं कि हमें टोटल वर्क करने थे 60 यूनिट, और 6 एंड 5 एंड 4 को हम मानते हैं इफिशियंसी यानी कि कार्य करने की क्षमता, कि ए एक दिन में 6 यूनिट करता है, बी 5 यूनिट करता है, सी 4 यूनिट करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा और उसमें आपको कुछ कंडीशन दे के रखे कि ए जो है कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ता है और बी ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। तो हम मान लेते हैं कि काम एक्स डेज में ख़त्म होता है। अब अगर ए उसके 5 दिन पहले काम छोड़ देता है यानी ए एक्स माइनस 5 डेज काम करता है और एक दिन में 6 यूनिट करता है तो वो कितना यूनिट काम करेगा, तो 6 × x-5 प्लस उसी तरीके से बी जो है ए के 2 दिन बाद छोड़ता है यानी बी कार्य खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ता है, तो x-3 और एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस सी के बारे में बात की जाए तो सी तो टोटल डेज वर्क किया 4 यूनिट, 4 यूनिट वो एक्स डेज वर्क किया ही, तो प्लस 4x इक्वल टू हमारा हो गया टोटल वर्क करने थे 60 यूनिट। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 6x-30 प्लस 5x-15 प्लस 4x इक्वल टू 60 हो गया, तो 6, 5, 11, 4, 15x इक्वल टू हो गया 60 प्लस 45, यानी कि ये हमारा 15 है, तो 15x इक्वल टू 60 प्लस 45 यानी 15x इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू हो गया 7, यानी कि हमारा आंसर हो गया 7 डेज। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इस पे फुल प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे 2 व्यक्ति जो है 55 किलोमीटर पृथक 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर एक ही समय प्रस्थान करते हैं। एक व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय बाद वे एक दूसरे से 11 किलोमीटर पृथक रहेंगे। कह रहे 2 व्यक्ति हैं जो कि एक दूसरे से 55 किलोमीटर
किलोमीटर दूर हैं और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक की चाल है 12 किलोमीटर और दूसरे की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने समय बाद वो 11 किलोमीटर ही दूर रहेंगे, यानी उन्हें टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा। तो पहले 55 किलोमीटर दूर थे, अब उन्हें 11 किलोमीटर दूर रखना है, यानी 55 - 11 यानी उसे डिस्टेंस कवर करना है 44 किलोमीटर। अब आप देखो, एक आदमी इधर से जा रहा है और एक आदमी इधर से जा रहा है, अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों अपने अपने स्पीड से चल रहा है, तो ये हमारी हो जाएगी 12 + 10 यानी 22 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमसे पूछ रहा है टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड यानी 44 / 2, तो हमारा हो गया 2 आवर यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की चाल क्या होगी। कह रहा है एक नाव है, उसकी शांत जल में चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, हम उसे x मान लें, शांत जल में नाव की चाल है x, तो x इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और धारा के प्रतिकूल वह जा रहा है 6 घंटे में 45 किलोमीटर, तो धारा के प्रतिकूल यानी कि नाव की चाल माइनस धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो धारा इसे काटेगी, तो x माइनस धारा की चाल की अगर y माने तो माइनस y इक्वल टू है 45 किलोमीटर करता है 6 घंटे में, तो 45 / 6 तो 15/2 हमारा हो गया, तो 7.5 किलोमीटर आ गया हमारा, 7.5 किलोमीटर पर आवर आपका हो गया। अब हमसे बोल रखा है, तो अब आपको दे के रखा है, अब आप इसमें वैल्यू पुट करना है, x की वैल्यू है 10 माइनस y इक्वल टू 7.5, तो माइनस y इक्वल टू -2.5, तो y की वैल्यू हो गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल हो गई 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।